अस्सलाम वालेकुम, आर यू एबल टू लिसन मी आतिफ भाई? जी जी आपकी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। सो वी आर लाइव टुडे ऑन द सेशन ऑफ तवारीख वानी एंड टुडे इज आवर टॉपिक और द टाइटल इज डिस्कवरिंग एमयू एंड दिस इज अ वंडरफुल एंड अ कैची टाइटल रिटन बाय आवर माय फ्रेंड और अ सीनियर आतिफ हनीफ साहब हु बिलोंग्स टू अ फ्रेटर्निटी ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज। एक्चुअली जस्ट बिफोर स्टार्टिंग माई सेशन I would like to introduce in a few words of my esteemed guest or speaker today. Atif Saab, from grade 10 onward or from his senior secondary days, completed all his education, including his bachelor's and master's in business administration from Aligarh Muslim University. I think he stayed there for 7 years, but his connection with the Aligarh continued for his entire life, I can say, and will continue like that in future also. So he has been associated with the Aligarh movement in one way or other way, and currently also he is a joint secretary of Aligarh Muslim University Old Boys Association Lucknow, and also he actively participated during his student days in quizzes, debates. I think Bathbazi is one of his favorite hobbies because of his love for the Urdu literature, and also he is one of the founder of Shoulder to Shoulder movement that mainly focuses on the harmony between Shia and Muslim community, other than other work related to communal harmony. And also he has contributed articles in different magazines, and he is the author for 3 books, Discovering Lucknow, Discovering AMU, what we are talking today, and also a recent release, Khan Bahadur Maulvi Sayyid Zainul Abidin and Aligarh Movement. So now let us start. Atif Saab, you want to add anything? नहीं नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहते हैं तफसीली गुफ्तगु के लिए, तफसीली तारुफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, फॉर आवर ऑडियंसेस व्हाट डू यू प्रेफर, वी विल कंटिन्यू आवर टॉक इन इंग्लिश और वी विल यूज द मिक्स लैंग्वेज, जैसा आप मुनासिब समझे आतिफ साहब? मिली जुली जबान कर लेते हैं रेहान भाई, जैसा मुनासिब। दैट सीम्स टू बी मोर हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी। आतिफ भाई, सबसे पहला सवाल ये है कि ये किताब की जो जर्नी है और डिस्कवरिंग एमयू, ये आइडिया कैसे आया और कब शुरू हुआ, व्हेन इट वाज स्टार्टेड? देखिए, बड़ा अहम सवाल है, बड़ा मुश्किल भी है। इसमें ये जो मुझे आइडिया आया, ये जब सेंटेनरी की बात शुरू हुई, और ये बात देखिए हलचल ये 2018 से शुरू हो गई थी, क्योंकि जैसे आपने बताया मैं अमूबा लखनऊ में भी जिम्मेदारी है मेरे पास ज्वाइंट सेक्रेटरी की, और उस वक्त यूनिवर्सिटी में भी इस तरह की हलचल शुरू हो गई कि सेंटेनरी हो रहा है, और बाकायदा वहाँ पे एक एलुमनाई कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें मुझे बुलाया भी गया, मैं वहाँ पे गया, काफ़ी डिस्कशंस हुए, बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग थी, लेकिन कोविड की वजह से सारी चीज़ें धीरे 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 जो है वो आपको पता है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो उसी सिलसिले में रेहान भाई क्या हुआ, जब मेरी खुद भी, जैसे आपने बताया, मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत और कर दूँ, जो मेरी सारी तालीम है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की है, 92 से 99, 10+2 ग्रेजुएशन फिर MBA। 7 साल मैं वहाँ हॉस्टल में रहा, पहले मुमताज में था, बाद में आफ्ताब हॉस्टल में, तो मैंने 7 साल उस अलीगढ़ को बहुत करीब से देखा, और पढ़ाई के अलावा 3 अलग अलग फैकल्टीज़ में भी रहा, और मुझे जो अलीगढ़ की सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आई वो वहाँ का लिटरेरी और कल्चरल माहौल पसंद आया। तो मैंने उस वक्त भी जितना हो सकता था उसमें अपने आप को इन्वॉल्व रखा, और इत्तेफाक ये कि उस 7 साल का मेरे पास आज भी तमाम लेटर्स और मैगजीन्स और हॉल टिकट्स और फूड कूपन्स और इस तरह की तमाम चीज़ें आज भी मौजूद हैं। तो वो अलीगढ़, जैसे आपने कहा कि आप अलीगढ़ शुरू में जब आते हैं लेकिन आपको अलीगढ़ बाद में कभी छोड़ता नहीं है, तो ये बड़ी अहम बात है। और जैसे मुझे एक शेर याद आता है कि चले तो आए हैं अपना वजूद लेके मगर, चले तो आए हैं अपना वजूद लेके मगर, हम अपनी रूह अलीगढ़ में छोड़ आए हैं। तो उसके बाद जी, तो वो ये रूह जो है वो वाकई वही है, और उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा तमाम जॉब्स में, मल्टीनेशनल्स में, इसमें उसमें, और तमाम अलीगढ़ से कनेक्शन भी रहा, बीच में आते जाते भी रही। तो आपका जो सवाल था, जब ये सेंटेनरी की बात आई तो मुझे 2 चीज़ें बहुत अहम लगी। एक तो ये लगा कि देखिए हम सब में कोई जज्बे की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो मालूमात होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। और उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि अब जो नस्ल है उसको उर्दू जबान आती नहीं है, और अलीगढ़ मूवमेंट पे मोर देन 95% जो लिखा गया है वो उर्दू जबान में लिखा गया है, अंग्रेजी और हिंदी में बहुत कम लिखा गया है। तो ये मुझे एक दिक्कत दिखी। अच्छा, मेरे पास अल्लाह के शुक्र से तीनों जबानों के ऑप्शंस थे, लेकिन मैंने इसीलिए जानबूझ के अंग्रेजी ली कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो मैसेज जो है वो पहुंच पाए। तो
तो इस तरह से मुझे तकरीबन 2 साल लगे इन सारी चीज़ों को जमा करने में, और लेकिन उससे पहले से धीरे धीरे काम चल रहा था। और मैंने इसमें क्या किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, MAO कॉलेज, सर सैयद, अलीगढ़ शहर, उससे जुड़ा जो कुछ हमारे जहन में आता है, जो कुछ का मतलब अगर मैं मैनेजमेंट की उससे बात करूं कि जो की पॉइंट्स हैं, जो की वर्ड्स हैं, मैंने उन पर काम किया कि अगर मान लीजिए जैसे सर सैयद साहब का सारा काम, उनकी पूरी प्रोफाइल, हमारे कितने हॉस्टल्स हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब A to Z अगर आप बात करिए कि शहर में क्या है, केवेंटस डेरी है, मटरी है, रेलवे स्टेशन है, कैंपस में आते हैं तो सर सैयद साहब के रुफका कौन थे, तमाम ऐसी चीज़ें, तो सबको एक जगह जमा किया और 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स में उन सारी चीज़ों को लाया। दूसरी एक काम मैंने इसमें और कोशिश जो करी कि इसको कॉफ़ी टेबल बुक का फॉर्मेट दिया। कॉफ़ी टेबल इस तरह से, मतलब मैंने नहीं, मेरी नज़र में नहीं आई चीज़ें, और जब शुरू में मैं काम कर रहा था मुझे लगा शायद 200-250 पेज में ये काम मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन जब चीज़ें बढ़ती गईं क्योंकि 100 आर्टिकल्स मुझे पहले से मैंने सेलेक्ट करके रखे थे, और जब डिज़ाइनिंग और फॉर्मेटिंग वो वाली स्टेज आई तो फिर ये किताब बढ़ती चली गई और तकरीबन 600 पन्ने पे आ गई, 600 पेजेस पे, तो मुझे इसको फिर 2 वॉल्यूम्स में जो है वो लेना पड़ा। अक्सर ये लोग पूछते हैं कि 2 वॉल्यूम्स में क्यों हैं, क्योंकि उस वक्त मेरे पास ये ऑप्शन था, या तो मैं कंटेंट को कम कर देता या आर्टिकल्स को छोटा कर देता, लेकिन मैंने छोटा जानबूझ के नहीं किया, मैंने उसको 2 वॉल्यूम्स पे जो है वो रखा। तो ये छोटी सी कहानी थी जो आपका सवाल था कि ये काम शुरू कैसे हुआ। तो भाई थोड़ा सा एक दौर होता है जो तालिबे इल्मी का अलीगढ़ में शुरू में आते हैं, तो जब हम आते हैं कम उम्र होती है, कम स्टेज होती है, हॉस्टल की वो लाइफ, तो कभी कभी वो एक होम सिकनेस भी होती है। तो आप जब अलीगढ़ पहुंचे ग्रेड 11th में, तो उस दौर से हाउ यू ओवरकम दैट पीरियड, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पर्सपेक्टिव एज अ ओल्ड बॉय एलुमनी, मेनी स्टूडेंट्स आर स्टिल देयर, एंड हाउ यू एज योरसेल्फ इन अ कल्चरल एक्टिविटीज फ्रॉम दैट टेंडर एज। जी देखिए मैं अगर बुक बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक कॉन्टेक्स्ट। नहीं नहीं, बहुत आपका अहम सवाल है। देखिए मैं जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचा तो मेरे दादा यहाँ के तालिब इल्म रहे हैं, उन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है। जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी 1920s का दौर था, उसके बाद जो मेरे वालिद साहब वाला पीरियड है उसमें कोई नहीं था, मेरे फादर 5 भाई थे उसमें कोई नहीं था, लेकिन मेरे ननिहाल से मेरे मामू लोग थे। तो जब मैं पहुंचा तो जाहिर है उस वक्त 92 का जो दौर था, हॉस्टल्स में कमरे नहीं मिलते थे, आपको पता होगा बड़ा मुश्किल उस वक्त था। तो उस वक्त मेरे मामू डॉक्टर फसी अहमद साहब और उनकी वाइफ डॉक्टर शमीम फातिमा सिद्दीकी वो वहीं पे थे, तो उनके साथ कुछ महीने रुके, और मुझे आज भी उनका स्टेटमेंट याद है कि देखो आतिफ अगर अलीगढ़ आए हो तो हॉस्टल में रुको, तुम हमारे साथ रह सकते हो, हमेशा रहो जितने साल है, लेकिन अगर हॉस्टल में नहीं रहे तो अलीगढ़ को कभी देख नहीं पाओगे। तो खैर 2-3 महीने बाद बड़ी मुश्किल से वो मुमताज़ हॉस्टल मिला और उसमें शिफ्ट हुए। और जो आपने कहा बड़ा मुश्किल जाहिर है वक्त होता है, क्योंकि यहाँ पे आप आराम से एक लैविश बंगले में रह रहे हैं और वहाँ जब गए तो 5-सीटर रूम और उसके पीछे भी बैक रूम, मुझे इस वो नंबर जैसे सबको याद होते हैं, 2 मुमताज़ वो कमरा था और जिसमें 5 लोग आगे और 1 पीछे बैक रूम पार्टनर। तो बड़ा मुश्किल वक्त होता है कि आपके पास 1 बिस्तर, 2-3 बक्से, अलमारी भी नहीं है, कुछ कुटियाँ, ना ताला, ना कुंजी, ना ये, तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जाहिर है जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो लिटरेरी और कल्चरल माहौल था, इसमें धीरे 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 चीज़ें जब पसंद आने लगी तो वो सब कमरा और वो सब सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे पीछे चली गई। So all that go in a back seat and then the bilkul, bilkul, bilkul. Jee, and history and you are coming from a background of PCM physics, chemistry, maths, क्योंकि वो हमारे यहाँ culture है कि PCB और PCM यही दो चीजें लोगों के साथ in developing country में you are born up, यही दो options लोगों को उस वक्त ज़्यादा नज़र आते थे, लेकिन आपने deliberately छोड़ के you went inside arts and then you cultivated yourself. मैं इसमें भी रेहान भाई थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। जब मैं, आपने बिल्कुल सही बात की कि जब मैं आया तो मैंने PCM में 11th क्लास में एडमिशन लिया, और उसके बाद जाहिर है जब कोई PCM में एडमिशन लेता है तो इंजीनियरिंग का जहन में एक दिमाग होता है कि इंजीनियरिंग करेंगे, लेकिन वो 2 साल मेरे जो अलीगढ़ के थे जिसमें जिसको कहते हैं कि इस पूरे रंग में जब बस गए तो मुझे लगा नहीं ये इंजीनियरिंग वगैरह मेरे बस का नहीं है, या कह लीजिए मुझे पसंद भी नहीं था। तो मैंने फिर सीधे हिम्मत करके BA में एडमिशन लिया, मैंने हिस्ट्री ली, पॉलिटिकल साइंस ली और इंग्लिश लिटरेचर लिया। बहुत एक अहम वाक्य मैं बताना चाहूँगा, मैंने इंग्लिश लिटरेचर ली और मुमताज़ और इसके बीच में कैफे दिफूस है, आपको याद होगा, अब तो शायद बंद हो गया है जी, तो मैं अभी गया तो देखा वो बंद पड़ा हुआ था, तो उसमें हम लोग चाय नाश्ता वहीं होता था। तो मैं, हमारे सीनियर रूम पार्टनर थे 20 मुमताज़ में, नजमुल भाई जो कि दुबई बेस्ड हैं आजकल, तो एक बार उनके साथ ऐसे ही सेशन हो रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने अंग्रेजी क्यों ली है। मैंने कहा बस इसलिए ली कि थोड़ा सा लिखना पढ़ना ठीक हो जाए। कहने देखो आतिफ जितनी आनी थी वो आ चुकी है, तुम ऐसा करो उर्दू कितनी आती है। हमने कहा उर्दू बस ठीक ठाक आती है, जो लखनऊ के हवाले से
थोड़ा लिखना पढ़ना, कहने लगे उर्दू ले लो इसका तुम्हें बहुत फर्क पड़ेगा। तो मुझे आज भी याद है उस दिन करीब 2-3 चाय के सेशंस हुए और उन्होंने मुझे कन्विंस किया और मैं करीब एक महीना इंग्लिश के क्लास कर चुका था और उसके बाद मैं फिर गया और मैंने उसको जो है उर्दू में चेंज किया। बड़ा अच्छा, ये भी रियान भाई बड़ा मुश्किल वक्त था क्योंकि उर्दू कभी नहीं पढ़ी और सीधे आपने ग्रेजुएशन में ले ली और वहाँ जो हमारे साथ में स्टूडेंट्स थे वो फर्राटेदार लिख भी रहे, पढ़ भी रहे, बोल भी रहे, तो वो 3 साल मुझे उर्दू पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी लेकिन उसका नतीजा जो है वो मुझे आज तक जो है वो मिल रहा है। और जाहिर है फिर कुछ रैंक्स भी रही सारी बीए में और हिस्ट्री में, तो ये एक बड़ा फ़ायदा है। तो अगर आप ये देखिए जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ढाबा कल्चर है, ढाबा कल्चर खाली चाय और गाने नहीं है। तो मैं हमेशा इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ, नजमुल भाई से मेरी करीब 20 साल बाद मुलाकात हुई लखनऊ में, तो मैंने उनको वाकई याद दिलाया तो वो भी थोड़ा भूल गए थे। फिर मैंने कहा आज मैं उर्दू में जो कुछ भी लिख पढ़ पा रहा हूँ, कुछ भी कर पा रहा हूँ, वो आपका उस दिन का कैफे डिफ्यूज वाला सेशन था जो आपने 2 प्याली चाय पिला के जो मेरा जहन जो बदला था जी। तो ये लैंडस्केप भी है और एक तरह से मोटिवेशन भी कई बार वहाँ सीनियर्स से एक इनडायरेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो अलीगढ़ का जो सीनियर जूनियर का माहौल है वो एक्चुअली ये है, मतलब खाली ये नहीं कि आपको सीनियर को देख रहे हैं आपने सलाम कर लिया, जाहिर है वो सब तो है ही है लेकिन ये जो आपको एक तजुर्बा मिलता है ये सबसे ज्यादा अहम है। तो मैंने शायद अगर इंग्लिश लिटरेचर में किया होता तो बात दूसरी होती, लेकिन वो उर्दू के 3 साल जो थे वो आज तक, मतलब इस बात को 94 में मैंने एडमिशन लिया था, 2021 है तो बहुत लंबा वक्त हो गया। तो लेकिन जाहिर है ये सब जो कुछ भी अगर मैं कर पाया या आगे कर पाऊंगा सब अलीगढ़ की देन है। तो बिल्कुल अच्छे कमेंट्स हमारे उस्ताद हैं सैयद ज़ियाउर रहमान साहब फ्रॉम मेडिकल जी 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 and, अभी मैं अलीगढ़ गया था जिया भाई के साथ, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। भाई इज आल्सो लिसनिंग यू, सो वी आर कमिंग बैक टू आवर टॉपिक एंड बुक आते या दिस इज अली हैदर साहब, सलाम यस अली हैदर साहब, थैंक यू फॉर योर काइंड फीडबैक, हिज पोस्ट आर वेरी नाइस एंड वेरी वंडरफुल, वी रियली एंजॉय हिम हिज पोस्ट ऑन इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज एंड हिस्ट्री लर्नर बुक। सो आते भाई कमिंग बैक टू आवर बुक, सो हाउ दिस बुक इज अरेंज एंड बुक इज लाइक अ कॉम्पेडियम इन 2 volumes and divided into multiple portions, multiple sections, talking from personalities, early personalities related to Aligarh movement, micro heritage, culture, cultural landscapes, food and memories related to Aligarh. So it's a very vast arrangement of the topics and titles. So aap kuch thodi si outline uski denge readers ke liye ki kis tarah se arrange kiya hai aapne book ko. Dekhiye jaisa maine Rehan bhai shuru mein bataya ki jab maine iska zehen banaya और मुझे ये लगा कि मैं जैसे लखनऊ की बात करूँ या तमाम और जगह लोगों से जब बात होती है तो रेहान भाई मैंने देखा कि अलीगढ़ में देखिए 2 तरह के लोग हैं, एक लोग वो हैं जो अलीगढ़ में रह रहे हैं और हमारे जैसे लोग हैं या आप जैसे सऊदी अरब में, मैं जैसे लखनऊ में जो वहाँ से निकल गए, तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क ये कि जो वहाँ से निकल गया उसके जज्बे में मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ़र्क है जो वहाँ से रहने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कम ज़्यादा है, मैं कोई उसको नाप भी नहीं रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए वो एक एक तस्वीर, एक एक पत्थर, एक एक टुकड़ा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हमें वो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे एक तस्वीर भी मिल जाती है। लेकिन जो मैंने एक चीज़ एनालाइज करी रेहान भाई कि एक चीज़ होती है अवेयरनेस जो लेवल 1 होता है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों में बहुत उसकी कमी है और खाली अलीगढ़ के हवाले से नहीं, आप किसी भी चीज़ में, आप इस्लाम के हवाले से ले लीजिए, कल्चर के हवाले से ले लीजिए, उर्दू के हवाले से ले लीजिए, हिस्ट्री के हवाले से, तो लेवल 1 है अवेयरनेस और लेवल 2 है आपका कॉन्शियसनेस कि आप कितना ज़्यादा कॉन्शियस हो, लेवल 3 है एक्शन। अभी क्या है मैं देखता हूँ कि लोग लेवल 3 की तो बात करते हैं लेकिन लेवल 1 पे बहुत कमज़ोर हैं, उनको बुनियादी चीज़ें नहीं पता, तारीख नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। अगर मान लीजिए वो फॉर एग्जांपल VM हॉल में रहें तो उनको ये नहीं पता कि VM का फुल फॉर्म क्या है, या वकारुल मुल्क अगर पता है तो वकारुल मुल्क साहब कौन है, इस तरह की चीज़ें। तो जो मैंने आपको बताया कि मैंने जब इसकी कोशिश करी और अलीगढ़ पे तो देखिए पिछले 150 साल से लिखा जा रहा है, सर सैयद के वक्त से लिखा जा रहा है, उन्होंने खुद भी लिखा, उनके रुफका ने लिखा और तब से मुस्तकिल लिखा जा रहा है, सेंटेनरी की वजह से और ज़्यादा लिखा गया है, तो इसमें कोई कमी नहीं और इंशाल्लाह हमेशा लिखा जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक तो ज़बान का मसला, जब हमें ज़बान नहीं आ रही ज़्यादातर लोग उसमें उर्दू में लिख रहे हैं, उसके बाद वो चीज़ें इतनी बिखरी हुई हैं कि अब एक तालिब इल्म को अगर अलीगढ़ को समझना हो या जो नहीं भी तालिब इल्म में अगर बाहर है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है, वो कितनी किताबों को पढ़े कैसे पढ़े। तो मेरी कोशिश, बीच में थोड़ा सा कट कर रहा हूँ, एक अहम सवाल मेरे जहन में ये भी आया था कि 2 लोग हैं, एक तो वो अलीगढ़ की फ्रेटर्निटी के लोग हैं जो इस बुक से कनेक्ट होंगे बिकॉज ऑफ देयर मेमोरीज नॉस्टैल्जिया एंड देयर अल्मा मैटर वेयर दे स्टडी, और दूसरे लोग जो एमयू की स्फीयर से बाहर हैं, इफ दे वांट टू कनेक्ट विद योर बुक, सो आई थिंक यू प्रोवाइडेड द स्टफ फॉर बोथ ऑफ देम, दैट्स अ पॉइंट। जी जी जी, तो वही मैं आ रहा हूँ आपके उस बात पे भी आता हूँ। तो उसमें क्या है कि जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैंने हॉस्टल्स की बात की,
तो वो कितने हॉस्टल्स हैं। अब जैसे हम किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं आफ्ताब हॉल में था तो मैं बता सकता हूँ उसमें चार हॉस्टल्स कौन से हैं, लेकिन अगर मुझसे अचानक से पूछा जाए कि जियाउद्दीन में हॉस्टल्स कौन से हैं, शायद हम नहीं बता पाएंगे, या सुलेमान में कौन से हैं, शायद हम नहीं बता पाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें हैं, और मेरा रेहान भाई ये मानना है कि आप यूनिवर्सिटी में 10 साल भी रह के चले जाइए, तमाम ऐसा हेरिटेज है टेंजिबल और नॉन टेंजिबल कि आप उसको 10 साल में भी एक्सप्लोर कर नहीं सकते। ये इतना बड़ा सरमाया हमारा कौम का जो सर सैयद साहब ने बना दिया और आज 150 साल से है, तो इस पे मुझे लगता है कि इस पे लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले देना ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश इसमें ये रही है कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले वो लोगों तक पहुँचे, और उसके बाद अगर कोई और किसी को तफसीली और मालूमात चाहिए तो वो जाहिर है उसमें वो भी चीज़ हासिल कर सकता है। तो मेरे लिए जो सबसे मुश्किल काम था शुरू में वो इसकी इंडेक्स बनानी थी कि मैं वो 100 चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें लूँ, कैसे कैसे उन चीज़ों को कवर करूँ, लेकिन अल्लाह के शुक्र से एक अच्छा काम हो गया है, और बाकी आप सबकी दुआएं और मोहब्बत हमेशा चाहिए होंगी। तो बाकी बुक का जो डिवीजन है, हम बात करें पार्ट वन और पार्ट टू में, तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आतिफ भाई कि मतलब पर्सनालिटीज़ को आपने एक अलग कॉर्नर में रखा है, कल्चरल लैंडस्केप्स को एक अलग रखा है, थोड़ा सा फूड मेमोरीज है, नॉस्टैल्जिया जो अलीगढ़ से रिलेटेड लोगों के लिए होता है उसको आपने साथ में ब्लेंड किया है, और बहुत सारे लोगों ने किंडल वर्जन की डिमांड की कि किंडल वर्जन आना चाहिए इस बुक का, लेकिन वी हैव ओनली इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द हार्ड कॉपी और पेपरबैक। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? देखिए, जैसा मैंने कि पहले भी जिक्र किया, मैंने जो इसमें 4-5 बड़े एस्पेक्ट्स लिए, वो सबसे बड़ी चीज तो पहले MAO कॉलेज लिया, दूसरी चीज AMU लिया, तीसरी चीज अलीगढ़ शहर लिया, और उसके बाद वे फॉरवर्ड पे भी रोशनी डाली है। तो जो पहला वॉल्यूम है, पहले वॉल्यूम में शुरू में सर सैयद साहब का पूरा काम है, उनके रुफका के बारे में है, अलीगढ़ की बुनियादी तारीख है बेसिक। उसके बाद फिर मैं अलीगढ़ शहर पे आया, अलीगढ़ शहर से जुड़ी जो कुछ, जैसे अभी आजकल बड़ा जिक्र हुआ बीच में जब नाम बदलने की बात हुई, तो मैंने पूरी तारीख अलीगढ़ शहर की जो है वो एक जगह जमा करी। उसके बाद में जो चीज़ें हमसे जुड़ी हैं, जैसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन है, मान लीजिए नुमाइश है, मैं नुमाइश का एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ तो उससे बात वाजे हो जाएगी। नुमाइश में हमें आपको क्या लगता है कि झंडा होटल है, नज़ीर है, वो खन्ना की सॉफ्टी है, हम यहाँ तक रुक जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पता होना ज़रूरी है कि नुमाइश में किन किन लोगों की नज़में हैं, जैसे मजाज की नज़म है, शकील बदायूनी की है, यादों की बारात में जोश मलियाबादी ने इस पर लिखा है, सर सैयद साहब का एक प्ले था जिसमें उन्होंने परफॉर्म किया है, उसमें शिबली नुमानी की एक नज़म है, वो मेरे पास पूरी नज़म थी, पूरी तो मैं नहीं लगा सकता, उसमें एक आध मैंने शेर उसके लिख दिए थे। तो इस तरह की जाहिर है झंडा, नज़ीर और वो सब जो है डिनर हो रहे हैं, ये हो रहा है, मेमोरीज तो हैं, आदमी जहाँ भी रहता है अपनी मेमोरीज कलेक्ट करता है, वो देखिए लिखना जरूरी है क्योंकि उसके बिना जब आप वो बात जो है ना वो अधूरी रह जाती। लेकिन बुनियादी चीज़ फिर वहाँ से राइडिंग क्लब की कैसे शुरुआत होती है, कैसे कैसे वो वाकियात हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें भी जो है कहीं ना कहीं हमारे कल्चर का और तारीख का बहुत अहम हिस्सा है जो कि लोगों को पता होना चाहिए। ये था तो इस तरह से जो आपने पूछा कि वो कोई भी चीज़ है आपको उसमें बुनियादी पहलू भी मिलेगा, और बहुत अगर आप तहकीक में जाना चाहते हैं तो वो एस्पेक्ट्स भी आपको उसके अंदर जो है वो मिलेंगे जी। दूसरी चीज आपने किंडल वाला पूछा, किंडल वाला देखिए ऐसा था कि जब मैंने इसको शुरू किया तो मुझे लग रहा था शायद 200-250 पेज में हो जाएगा कॉफी टेबल, लेकिन ये तकरीबन 600 पेज में गई, और फिर मैंने उसको 2 वॉल्यूम्स में लिया। तो ओरिजिनली प्लान नहीं था मुझे 2 वॉल्यूम में लेना, लेकिन क्योंकि बाद में मैंने कंटेंट को रोका नहीं, हमारे पास ऑप्शन था, क्योंकि जैसे आमतौर पे होता है कि आप कंटेंट को काटते हैं या आर्टिकल्स को कम कर देते हैं, तो मैंने रोका नहीं। बहुत सारे लोगों ने किंडल वर्जन मांगा, तो लेकिन मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसमें जो तस्वीरें हैं पुरानी भी हैं नई भी हैं, मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स बाकायदा बनवाई हैं इस किताब के लिए, लेटर्स हैं, कैलीग्राफी है, और इस तरह की चीज़ें जब रेहान भाई किसी के पास हार्ड कॉपी में सामने आती हैं तो उसकी नौइयत बिल्कुल फ़र्क होती है। अगर किंडल में क्या होता है, आमतौर पर नॉवेल्स हैं, पोएट्री हैं, 150-150 पेज की, वो आप उसको पलट सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें कलेक्टर्स आइटम है, जब तक आपकी मेज़ पे सामने नहीं होंगे, और आप जाहिर है पढ़ने में भी आपको वक्त लगेगा, लेकिन जब वक्त हो आप 1 पेज 2 पेज 5 पेज 10 पेज पढ़ लीजिए। तो इसका किंडल एडिशन जो है वो प्लान नहीं है, आइंदा जो चीज़ें होंगी उसका किंडल है, लेकिन इसका मैंने जानबूझ के किंडल एडिशन जो है इसलिए नहीं लिया। कई लोगों ने मुझसे कहा तो मैंने ये कहा कि एक बार आप किताब देख लीजिए, और देखने के बाद ये बताइए कि अगर आपको लगता हो किंडल एडिशन चाहिए तो फिर जवाब ये आया नहीं, आपने अच्छा किया किंडल में, क्योंकि आप 600 पेजेस को PDF में और उस पे किंडल में देख नहीं सकते। अगर बुक आसपास है तो आप दिखा सकते हैं कैमरे पे इस वक्त, क्योंकि वैसे तो मैं दिखा सकता हूँ। देखिए ये है, आपको उल्टी तो नहीं दिख रही है?
हाँ वो थोड़ी सी इमेज आ रही है, नहीं उल्टी नहीं दिख रही है, थोड़ा सा ग्लेयर है लाइट का, बट एटलीस्ट द साइज एंड द कवर पेज इज विजिबल ये है। और इसमें अगर मैं इस तरह से अगर आप देखिए ये वो लाइट का इम्पैक्ट आ रहा होगा क्योंकि लाइट सामने जल रही है, लाइट सामने जल रही है, बट एटलीस्ट वन कैन सी द साइज ऑफ द बुक एंड हाउ इट इज अरेंज्ड। एंड और इसमें जैसे तमाम उस तरह के लोगों से जैसे नसीर भाई से इसमें लिखवाया और दूसरा वॉल्यूम भी पास में ही है, ये वॉल्यूम टू है। अब जैसे ये इस तरह की तस्वीरें हैं और अब इसमें आप बुनियादी जो भी अंदर आप देखेंगे कि हर में आपको तस्वीरों के साथ में जो है लॉट ऑफ पिक्चर्स आर देयर, तो दैट इज अ पिक्चर्स जी पिक्चर्स एंड आर्काइवल मटेरियल इज आल्सो साइटेड हियर और तो ये। अच्छा बीच में आपको एक बड़ी खास चीज बताऊं, जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि जब आप कोई काम करते हैं तो ऊपर वाला आपका इम्तिहान भी बहुत लेता है। ये किताब जब बिल्कुल तकरीबन फाइनल स्टेज में थी, मुझसे गलती खैर हो गई कि मैंने अपने कंप्यूटर का लैपटॉप का बैकअप नहीं लिया था और उसी में अचानक एक दिन जो था वो मेरा लैपटॉप की हार्ड डिस्क जो थी वो क्रैश कर गई। तो अब आप समझिए कि 600 पेज में तकरीबन 1.5 से 2,000 तस्वीरें और मेरा बैकअप जीरो, तो जिसकी वजह से मेरा 4-5 महीने का काम डिले हुआ। कंटेंट में मैं इसलिए बच गया क्योंकि मैं जो लिख रहा था वो ड्राइव पे था, तो बड़ी मुश्किल से फिर अलीगढ़ आए, तस्वीरें जमा करी, जिन लोगों से ली थी उनसे दोबारा किया, तो वो पूरे प्रोसेस में मैं तकरीबन मुझे 4 महीने जो है वो एक्स्ट्रा लग गए। तो ये भी सीखने को मिला, अब जो भी लिखते हैं वो ड्राइव पे लिखते हैं और कंटिन्यूस उसका बैकअप जो है वो लेते रहते हैं। आपने लोगों से कनेक्ट कैसे करा इतनी सारी चीजें कलेक्ट करने में? बहुत सारी फोटोग्राफ्स तो आप खुद लेके आए, आर्टिकल्स भी आपके अपने इसके अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन हाउ यू आउटरीच? देखिए इसमें इसमें रेहान भाई जैसे अगर हमने कोई आर्टिकल फॉर एग्जांपल नुमाइश की बात करी, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो अब जाहिर है नुमाइश एक साल के एक पर्टिकुलर दिन होती है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोविड का जमाना चल रहा था, बीच में मेरे कई चक्कर लगे, मैंने खुद ज्यादातर जो नई तस्वीरें खुद ली, तो अब नुमाइश के लिए मुझे दूसरे लोगों की मदद लेनी पड़ी और जिनकी मदद ली फिर उनको मैंने प्रॉपरली क्रेडिट दिया है किसी भी चीज में। तो जहां मुझे पता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं तो वहां मुझे दूसरों की, इसमें बड़ा एक खास आपको इंटरेस्टिंग पहलू बताता हूं, जब मैं आया तस्वीरें लेने तो अब्दुल्ला की जो 2-4 तस्वीरें होती हैं वो आमतौर पर आप सोशल मीडिया और इधर उधर आपको मिल जाती हैं, और उस वक्त मुझे ये जहन में आया कि कोविड का दौर चल रहा था, कॉलेज बंद था, तो मैंने परमिशन के लिए प्रिंसिपल साहिबा से बात करी तो इत्तेफाक से परमिशन मुझे मिल गई और जब मैं वहाँ गया कैमरा वगैरह लेके मुझे तकरीबन 2-3 घंटे लगे पूरे, उन्होंने एक वार्डन को साथ कर दिया और पूरा अब्दुल्ला का जो कंप्लीट कैंपस है वो पूरा मैंने घूमा और इसमें काफ़ी तस्वीरें लगी हुई हैं। और बाद में जब लौट के आए प्रोवोस्ट ऑफिस में बैठे उनके साथ चाय पी तो उन्होंने बड़ा एक मज़ेदार स्टेटमेंट कहा, मुझे आज भी याद है, कि आप शायद वाहिद मेल एलुमनाई हैं जिसने अब्दुल्ला का एक एक चप्पा चप्पा जो है वो घूमा हुआ है। तो मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन मैंने फिर इनको खुमार साहब का एक वाकई याद दिलाया कि मैं गलत वक्त पे सही जगह पे आ गया हूँ, तो सही जगह पहुंच गया क्योंकि कोविड की वजह से बिल्कुल सब बंद पड़ा हुआ था, लेकिन मेरे पास वो पूरा कलेक्शन अब्दुल्ला का एक एक हॉस्टल, एक एक जो क्लासेस, ऑडिटोरियम, बिल्डिंग, स्कूल, अब्दुल्ला नर्सरी से लेके सब कुछ A to Z है। तो मैंने कोशिश ये करी कि ज्यादातर वो तस्वीरें जो मैं खुद ले सकता था वो मैंने खुद ली है, और जाहिर है जो नहीं, जैसे मैंने नुमाइश का एग्जाम्पल दिया वो नहीं ले सकते थे तो वो जाहिर है दूसरों की मदद ली, और जो पुरानी है वो कुछ लोगों की ली और जिनसे ली फिर उनको क्रेडिट सारे दिए हैं उसमें। तो अलीगढ़ मूवमेंट पे तो हम बात करेंगे तो बहुत लंबी बात है, बहुत बहुत अपने आप में एक मुख्तलिफ पहलू है एंड इट्स अ वास्ट टॉपिक टू डिस्कस, बट एक कुछ ग्लिम्सेस जो बुक में डिस्कस हुए उनमें से किस बात पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल एंड अलीगढ़ मूवमेंट, बहुत सारे लोगों को बड़े कन्फ्यूजन रहते हैं इसमें, जो खासतौर से फ्रेटर्निटी से ताल्लुक नहीं है उनके कभी एतराजात भी रहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म आल्सो कमिंग फ्रॉम दीस डेज, एट लीस्ट दीस डेज वेरी रेलेवेंट। So, can we talk little bit on this part? What was the association of Allama Iqbal and the Aligarh movement? देखिए बहुत अहम चीज़ है, और आपने मतलब जिसको कहते हैं कि मेरी जो सबसे इंटरेस्ट वाला पॉइंट है, मेरे हिसाब से देखिए उर्दू का जो सबसे बड़ा शायर है, मुझे कहने में बिल्कुल एतराज़ नहीं है कि वो लाइन अल्लामा इकबाल पे शुरू होती है और अल्लामा इकबाल पे आके ख़त्म हो जाती है। अल्लामा इकबाल एक तरफ है और बाकी उर्दू की तमाम शायरी दूसरी तरफ है, मुझे इसको कहने में कोई एतराज़ नहीं है, मैं किसी को ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे कर रहा हूँ, और उसके जाहिर है बहुत लंबी गुफ्तगू हम कभी हो सकता है आप इसको एक अलग टॉपिक भी बना सकते हैं क्योंकि अल्लामा इकबाल की 9 नवंबर डेट आ रही है। तो कमिंग टू द अल्लामा इकबाल, देखिए मैं बात करता हूँ बहुत अहम चीज़, मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बताता हूँ। देखिए अल्लामा इकबाल साहब की जो पैदाइश है वो साल है 1877 है। अब आप देखिए ये वही तारीख साल है 1877 जिसमें MAO कॉलेज की बुनियाद हो रही है, मतलब अक्सर लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन मैंने जो मजमून लिखा है इसकी बात शुरुआत यहीं से करी है
कि वही तारीखी साल है जिस साल एमयू कॉलेज की संगे बुनियाद हो रही है और उसी साल अल्लामा इकबाल की पैदाइश है। अच्छा, अब इत्तेफाक से अल्लामा इकबाल साहब की कभी सर सैयद से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अल्लामा इकबाल ने हमेशा सर सैयद को एक्नॉलेज किया है अपनी तमाम शायरी में। उनकी दो नज़में तो सबको पता है, तलबा अलीगढ़ कॉलेज के नाम और सैयद की लौहे तुर्बत, लेकिन इसके अलावा तमाम रुबाई, तमाम अशार, बहुत कुछ है। तो इनकी चार विजिट्स हैं यहाँ पे, एमयू कॉलेज में हैं, बाद में ये एमयू जब बन गया वो भी हैं, और तमाम अशार में एक आध दो अभी आपको सुनाता भी हूँ। एक बड़ा अहम मुझे वो मिला जब देखिए क्या हुआ, सर सैयद के इंतकाल के बाद में ये मूवमेंट शुरू हुआ कि हमें इसको यूनिवर्सिटी बनाना है, तो फंड रेजिंग का भी बहुत काम शुरू हुआ। आगा खान की सदारत में तमाम जलसे हुए, तमाम डेलीगेशन गए, उसमें लाहौर में एक डेलीगेशन गया और उसकी तारीख थी 24 फरवरी 1911। अच्छा, उस वक्त एमयू कॉलेज था, यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, यूनिवर्सिटी जाहिर है बहुत एक अहम चीज़ थी। तो उसमें अल्लामा इकबाल ने वहाँ पे चार मिसरे पढ़े, एक रुबाई है और मुझे जब वो मिली, मुझे इत्तेफाक से याद भी हो गई, मैं आपके सामने उसको रखता हूँ। अब आप इसको जहन ये देखिएगा कि 1911 की बात है, आज 2021 चल रहा है, और उसमें अल्लामा इकबाल एमयू कॉलेज को सपोर्ट करने के लिए लिखते हैं, बाहर हुए जाते हो क्यों जामे से, बाहर हुए जाते हो क्यों जामे से, पूछो किसी पंडित से ना अल्लामे से, मैं तुमको बताता हूँ यूनिवर्सिटी क्या है, मैं तुमको बताता हूँ यूनिवर्सिटी क्या है, पतलून की तकरार है पैजामे से। तो अब देखिए कितनी चार मिसरे में उन्होंने कितनी गहरी बात कह दी। तो जो आपका सवाल था, इनका चार बार जो है यहाँ पे आना हुआ और लाइफ मेंबरशिप इनको मिली स्टूडेंट यूनियन की, बाद में डीलिट भी मिली, रॉस मसूद से इनकी बड़ी दोस्ती हुई, ये बड़ा जिसको कहना चाहिए कि चौंकाने वाली बात है। और सर सैयद साहब की खुद एक वसीयत है जो एक बेसिकली वो ख़त में रॉस मसूद को ये कहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों के जो गार्जियन होंगे, जो उनके सरपरस्त होंगे, वो रॉस मसूद होंगे। तो रॉस मसूद उस वक्त इस बात को कहते हैं कि भाई मैं इतनी दूर हूँ, ये कैसे मुनासिब हो सकता है, लेकिन अल्लामा कहते हैं मेरे पास तुमसे ज़्यादा मोतबर इंसान कोई नहीं है। अच्छा, वक्त देखिए कि रॉस मसूद का इंतकाल कुछ महीने पहले हो जाता है अल्लामा से, तो अल्लामा ने उर्दू का इतना बड़ा शायर, उसने अपने लिए जो मिसरे लिखे थे अपनी मज़ार के कदबे के लिए, वो उठा के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भेज दिया और वो रॉस मसूद की मज़ार के ऊपर वो लगे हुए। तो ये मैंने जब पढ़ा, अच्छा मैं भी तमाम बार गया, तमाम लोग जाते हैं वहाँ पे मज़ार में, लेकिन इस चीज़ पे ध्यान नहीं जाता है कि वो जो ऊपर लिखा, अच्छा अल्लामा के नाम से लिखा हुआ है। तो ये शर्त देखिए, ये भी जो आपने अभी हेरिटेज की शुरू में बात की, ये भी हेरिटेज है। मैं तो इस बात को रेहान भाई फख्र से कहता हूँ कि उर्दू का सबसे बड़ा शायर जो अपने लिए लिखेगा, जाहिर है वो चार मिसरे फारसी में, मुझे इत्तेफाक से याद नहीं है तो, लेकिन वो किताब में मैंने उसकी पूरी कायदे की एक बड़ी सी तस्वीर लगी, आप उसको पढ़ भी सकते हैं और कभी मौका होगा तो उसको शेयर भी करिएगा। तो अल्लामा जो उर्दू का सबसे बड़ा शायर है, वो अपने लिए जो चार मिसरे लिख रहा है, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की दीवार में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को नहीं पता है, और हर आदमी जाहिर है जुमे को भी आ रहा है, वहाँ से जा रहा है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। अल्लामा जब एक बार बीमार हुए, आप देखिए अल्लामा उस वक्त अल्लामा बन चुके थे, और क्योंकि रॉस मसूद का ताल्लुक भोपाल से भी था, तो उनके इलाज किसी ने नहीं कराया, और बड़ी अहम बात है कि रॉस मसूद ने उस वक्त उनका इलाज जो है वो भोपाल में कराया। तो इस तरह से तमाम ऐसी, जैसे मैंने कहा, अच्छा हाँ एक बहुत अहम चीज़ मुझे याद आई, शुरू में एमयू कॉलेज में एक प्रोफेसर थे आर्नल्ड, बड़ा अहम वाक्य है जी आर्नल्ड का, क्योंकि आर्नल्ड जब यहाँ पे थे सर सैयद के वक्त में थे, और जो हम लोग टाइटल्स की आजकल बात करते हैं, तो ये देखिए कितना अहम कनेक्शन है कि आर्नल्ड को मौलाना का खिताब जो है वो सर सैयद ने दिया था, सर सैयद उनको कहते थे मौलाना आर्नल्ड। तो बहरहाल वो यहाँ पे रहे, उसके बाद में फिर वो लाहौर चले गए, लाहौर जब गए तो अल्लामा के भी उस्ताद हो गए, और अल्लामा पे जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है वो बेसिकली आर्नल्ड का है, आर्नल्ड वो जी। तो वो रिश्ता जो कनेक्शन अलीगढ़ से है वो लाहौर गया, लाहौर के बाद वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ से आया, फिर उन्होंने इनको इन्फ्लुएंस किया कि आप बाहर पढ़ने जाइए, फिर उसके बाद भी वो ताल्लुक बने रहे। और उसमें रेहान भाई एक अहम कड़ी जो मैंने मुझे मिली, कम लोगों को पता होगा कि जब अल्लामा स्पेन जाते हैं और मस्जिद कुर्तुबा में नमाज पढ़ने की अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हैं, 700 साल में उस मस्जिद में नमाज नहीं हुई, तो इनको परमिशन मिल गई, लोगों को पता है, उसकी एक तस्वीर भी है जो मस्जिद में बैठे हैं, अक्सर सोशल मीडिया पे शेयर होती है। उसकी खास बात यह है कि उस मस्जिद में नमाज पढ़ने की जो परमिशन थी वो आर्नल्ड ने अरेंज कराई थी, और अल्लामा की एक नज्म भी है आर्नल्ड के नाम से और मस्जिद कुर्तुबा के नाम से भी। तो इस तरह के तमाम ऐसे कनेक्शंस हैं जो कि कहीं ना कहीं तारीख में जो है वो छुप गए हैं, और वो हमको और आपको चीज़ों को, लोगों को पता नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि इन सब चीज़ों से लिखने से और
इस तरह के पहलुओं को निकालने से कि हमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, नहीं तो क्या होगा कि जैसे जो उर्दू का डिक्लाइन आज हम देख रहे हैं, आने वाले वक्त में रेहान भाई बहुत मुश्किल वक्त है। अगर हम 25 साल 50 साल आगे की बात करें, पता नहीं हम होंगे आप नहीं होंगे, लेकिन जो हमारा ये कंटेंट है ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग स्टेज में आ चुका है कि इस कंटेंट का होगा क्या, इसको पढ़ने वाले कौन लोग बचेंगे। तो बड़ा ज़रूरी काम है कि आप तर्जुमे के ऊपर काम करिए और इस तरह की चीज़ों को निकाल के लाइए, नई नस्लों को दीजिए। अब जाहिर है जिसका जो इंटरेस्ट हो वो फिर आगे उस पर और काम करता रहे। अच्छा आतिफ भाई, साथ साथ बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो इस बुक में डिस्कस हुई हैं, बट एक पर्सनालिटी जिसको लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लिटरेरी लैंडस्केप में तो लोग जानते हैं लेकिन अलीगढ़ के ताल्लुक से नहीं जानते, वो मुंशी नवल किशोर की बात है जी। मुंशी नवल किशोर का अलीगढ़ मूवमेंट से क्या ताल्लुक था और किस तरह से वो जुड़े हुए थे सर सैयद के मूवमेंट से? जी, आपका बड़ा अहम सवाल है। देखिए, मुंशी जी की एक तो पैदाइश उसी इलाके की है, दूसरा ये सर सैयद के कंटेम्प्रेरी हैं। उनकी भी जो प्रेस का मामला शुरू हुआ वो गदर के बाद हुआ, और अच्छा दोनों में दोस्ती भी थी। अच्छा, खास बात जो मैंने इस पर पूरा एक आर्टिकल लिखा है अपनी किताब में, और क्योंकि देखिए मुंशी नवल किशोर पे बहुत बात होती है, सर सैयद पे भी बात होती है, लेकिन इन दोनों के कनेक्शंस पे बात नहीं होती है। तो उसमें मुझे जो एक अहम चीज़ मिली वो ये मिली कि मुंशी नवल किशोर जो है वो साइंटिफिक सोसाइटी के बाकायदा मेम्बर थे। मैंने उसमें तारीख वगैरह तक लिखी है कि किस डेट में हुए क्या है। काफ़ी किताबें जो सर सैयद की हैं वो मुंशी नवल किशोर प्रेस पे छपी हैं, ये दूसरा कनेक्शन है। तीसरा कनेक्शन ये है कि बाद में जब तहजीबुल अखलाक आ जाता है और मुंशी नवल किशोर साहब का अपना अखबार भी है, तो दोनों के अखबार में एक दूसरे के बारे में चीज़ें आती रहती हैं। तो इसमें आपको तहजीबुल अखलाक में और गेजेट में भी मिलेगा और इनके यहाँ भी चीज़ों में ये मिलेगा। फिर बाद में जो कुछ एसोसिएशंस हैं उसमें भी दोनों एक दूसरे में हिस्सेदारी है। तो इस तरह से एक बहुत अहम रिश्ता है, लेकिन समहाउ हमने उस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा काम जो है वो किया नहीं है। मतलब ये भी आप कह लीजिए थे कि तारीख के पन्नों में बात जो है वो कहीं ना कहीं खो गई है। और जबकि मैं तो लखनऊ में रहता हूँ, तो लखनऊ में मुंशी नवल किशोर के हवाले से अक्सर बात होती है। अलीगढ़ में तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं होती है उन पर, लेकिन हाँ इन कनेक्शंस पे नहीं बात होती। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो जावी हैं, जब आप इसको निकालेंगे तो बहुत सारी नई नई चीज़ें जो हैं वो और निकल के आएंगी, जो कुछ सब छुपी हुई है मेरे हिसाब से, जिस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है। जी, ज्यादा नहीं हुआ है। जी जी। अच्छा, इसके अलावा एक बुक के अंदर कोई और ऐसा लैंडस्केप, कल्चरल लैंडस्केप जो डिस्कस हुआ हो, उस पे कोई एक पहलू आप डिस्कस करना चाहेंगे? जैसे आप कुछ पूछिए, मैं तो क्योंकि इतनी सारी चीजें, खास तौर से मुझे याद नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीजें मैंने बुक के अंदर पढ़ी थी और इत्तेफाकन हर चीज यहाँ लेके हार्ड कॉपी आना मुमकिन नहीं होता, तो इसलिए मैं बुक लेके नहीं आ पाया साथ में। लेकिन एक अलीगढ़ में कुछ जो पुराना हेरिटेज था उसको भी सर सैयद ने बचाने की बहुत कोशिश की है। जी, जैसे जी, कि आप सर सैयद मॉस्क है, तो सर सैयद मॉस्क के हवाले से उसमें जो कैलीग्राफी है, बहुत लोगों को नहीं पता, आप तो काफी आर्टिकल लिख गए हैं, राणा आपका आर्टिकल है, नदीम साहब का आर्टिकल है, जिससे लोगों को, आम लोगों को अवेयरनेस आ गई है, वरना लोगों को नहीं पता कि उस कैलीग्राफी का ताजमहल से कनेक्शन है। जी, ताजमहल का कनेक्शन। इसी तरह से मूसा दरकी म्यूजियम के अंदर सर सैयद वो स्लैब लेके आ गए थे जो बलबन का बनवाया हुआ मीनार था। जी जी। और शहर अपर कोर्ट में जो मस्जिद है वो बड़ी तारीखी मस्जिद है, वो लेट मुगल दौर की मस्जिद है, जो वहाँ पे मुगल गवर्नर थे उनकी बनवाई हुई मस्जिद है 18 सेंचुरी की। तो उसके साथ ही जो बलबन का मीनार था वो वन ऑफ द रिनोवेशन में वो डैमेज हो गया, तो उसको भी लेके आ गए सर सैयद, और किसी तरह से उन्होंने वो, और टाइम कैप्सूल जो है, इस पे अगर आप कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे तो। देखिए, जामा मस्जिद पे पूरा एक मजमून है इसमें, और उसमें आपने जो चीजें कही आपको सारी डिटेल्स उसमें मिलेंगी। और उसमें एक अहम चीज ये, मैं आपको उस पे रोशनी डालता हूँ, वो कई हो सकता है ज्यादा लोगों को ना पता हो। जब ये MAO कॉलेज, स्पेशली जो आप सर सैयद हॉल कॉम्प्लेक्स देखते हैं, इसका जो नक्शा बना था वो थॉम्सो कॉलेज से बन के आया था, जिसको हम आज IIT रुड़की कहते हैं। और जैसे कि जब आप इस्लामिक आर्किटेक्चर, मुस्लिम आर्किटेक्चर को देखते हैं, तो इसमें एक सिमेट्री होती है। जैसे आप ताजमहल देखते हैं तो एक तरफ मस्जिद है और दूसरी तरफ हमने जवाब में उसको सिर्फ बैलेंस करने के लिए बना दिया। तो इसका जब नक्शा बन के आया था तो इसमें एक तरफ जो स्ट्रेची है सामने विक्टोरिया है और एक तरफ आप मस्जिद देखते हैं, तो ओरिजिनल नक्शे में इसके अपोजिट भी एक मस्जिद थी। अब ये फैक्ट जो है ये छुपा हुआ है, वो मस्जिद क्यों थी, वो उनको इसलिए मस्जिद थी क्योंकि एक मस्जिद उन्होंने शिया के लिए बनाई थी और एक मस्जिद उन्होंने सुन्नी के लिए बनाई थी। अब जब ये बात, ये नक्शा सर सैयद तक पहुंचता है तो उन्होंने एक मस्जिद को काट दिया और उन्होंने कहा नहीं, मस्जिद तो इसमें एक ही बनेगी और एक ही मस्जिद में दोनों नमाज पढ़ेंगे। अब आप ये सोचिए कि ये आज से 150 साल पहले इस बात को सोचना ही कितना मुश्किल था। अब आज भी रेहान भाई, मैं तो लखनऊ में, आप सऊदी अरब में, दिल्ली है, किसी आप शहर चले जाइए, आज भी ये काम को सोचना और उसको अमल में लाना
बहुत मुश्किल है। अभी आपने शोल्डर टू शोल्डर का जिक्र किया, मैं उसके बारे में भी अभी बताता हूँ। तो इस तरह से ये बात आई। और एक बहुत एक अहम चीज़ और भी है, देखिए जो सर सैयद के बाद जो उनके रुफका हैं, सैयद महमूद हैं, हमने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया। एक मुझे एक लैंडमार्क जजमेंट मिलता है और वो मस्जिद में जो फ़िरके की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, अब तो खैर थोड़ी सी काफ़ी कम हो गई लेकिन फिर भी होती हैं, तो ये एक मसला सैयद महमूद के पास पहुँचा। तो सैयद महमूद का उसमें लैंडमार्क जजमेंट था क्योंकि उन्होंने ये सारा इंस्पिरेशन अलीगढ़ में देख चुके थे, जामा मस्जिद उनके सामने थी, और उनका लैंडमार्क जजमेंट ये था कि मस्जिद जो है वो खुदा का घर है, किसी फिरके से आप इसको नहीं जोड़ सकते। लेकिन इत्तेफाक ये है कि ये जजमेंट्स हमारे पास आज जो है, मैं बिल्कुल, मुझे इस बात को कहने में कोई इतराज़ नहीं कि जजमेंट्स खो चुके हैं, डिलीट तो नहीं हुए, लेकिन क्या इनकी बात होती है? आज भी हम मस्जिदों में आप देखिए तमाम मुल्कों में, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बम फटते हैं, गोलियां चल रही हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, और आप ये देखिए कि हमारा खुद एक लैंडमार्क जजमेंट है और इतना बड़ा जो अलीगढ़ का एग्जाम्पल है, आपको दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। तो इस तरह की जो हेरिटेज की आपने बात की और जो कैलीग्राफी की, जाहिर है वो ताजमहल के जो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने वो कैलीग्राफी करी, वो सेम है, और सर सैयद साहब का खुद इन चीज़ों पर बड़ी नज़र थी। और जब एक और बहुत इंटरेस्टिंग वाकया मैं आपको बताता हूँ, कम लोगों को पता होगा, जब इनको शुरू में ये हुआ कि हमें एक हॉल बनाना है, क्योंकि शुरू से था कि लोग आएंगे, विजिटर्स होंगे, मुलाकात होगी, लेक्चर्स होंगे, सेशंस होंगे, तो अब उस वक्त उसका जो खर्चा आया वो तकरीबन 50,000 रुपए का आया, फंड जाहिर है था नहीं। तो इनके रुफका ने, दोस्तों ने कहा भाई जब फंड नहीं तो ऐसा करते हैं, एक छोटा हॉल बना लेते हैं। तो उनका नहीं, छोटा नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे तो बड़ा बनाएंगे। अब उस वक्त जो है एक अपील जारी हुई कि जो 500 रुपए का चंदा देगा उसके नाम का कदबा जो है वहाँ पे लग जाएगा। तो ऐसे करते करते 120 लोगों ने चंदा दिया 500 रुपए का, जो आप स्ट्रेची हॉल में सामने पत्थर देखते हैं, तो वो 60,000 रुपए मिले और उस हिसाब से ये हमारा जो है स्ट्रेची हॉल बना। अब लेकिन मैं रेहान भाई जो यहाँ पे रोशनी डालना चाहूँगा कि ये इस तरह की जो तारीख है ये हमारे सामने आना चाहिए, ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। आज भी आप लोगों से कहिए, मान लीजिए किसी को स्कूल बनाना हो, अस्पताल बनाना हो, कॉलेज बनाना हो, तो लोग कहते हैं मेरे पास फंड नहीं है। तो सर सैयद का जो सबसे बड़ा काम था, जो मैं बार बार कहता हूँ, अगर उनको 2-3 सेंटेंस में आपको समझना हो कि उस शख्स ने जो चीज़ सोची उसको कही, उसको लिखा और उसको करके दिखाया, मतलब खाली वो नहीं था कि आप, मतलब जिसको हम लखनऊ में कहते हैं कि जबानी जमा खर्च वाली बात नहीं है, उसको करके दिखाया, जो बाद में अकबर इलाहाबादी ने कहा भी। खैर अकबर ने शुरू में तो बहुत उल्टा सीधा लिखा लेकिन बाद में उन्होंने एक्नॉलेज किया, जो अकबर का बहुत मशहूर शेर भी है कि हमारी बातें ही बातें हैं सैयद काम करता था, हमारी बातें ही बातें हैं सैयद काम करता था, ना भूलो फर्क जो है कहने वाले करने वाले में। तो जो आपने जो हेरिटेज की बात की, तो हर हर टुकड़े पे अलीगढ़ की एक एक दीवार पे, चाहे वो आप विक्टोरिया ले लीजिए, स्ट्रेची ले लीजिए, जामा मस्जिद ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो सब मतलब हिस्ट्री और कल्चर और तहजीब से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन वही है कि जो तालिबे इल्म आते हैं उनको वो चीज़ें पता नहीं है, उनको वो दिखती नहीं है। तो मैं बिल्कुल इसको, मुझे कहने में एतराज़ नहीं, मैं इल्ज़ाम उन तालिबे इल्म को नहीं दूंगा, क्योंकि जाहिर है कोई मान लीजिए 2 साल आया तो 2 साल में वो कितना समझ पाएगा। तो ज़रूरत ये है कि आप उन तक उन चीज़ों को पहुँचाइए। और अगर मान लीजिए कोई आ रहा है जिसको उर्दू नहीं आती, तो बेचारे उस बच्चे की उसमें क्या गलती है? आप उर्दू नहीं आती, आप उसको हिंदी में मटेरियल दीजिए, आप उसको अंग्रेजी में दीजिए, तो कम से कम अगर ये 3 जबानों में मटेरियल दे देंगे तो वो कुछ तो समझेगा। Exactly. तो ये है। जी अच्छा, दूसरा आतिफ भाई एक इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि सर सैयद का जो इंग्लैंड का सफर था वो बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत सारे उसके पहलू हैं, एक मल्टीफेसेटेड जर्नी थी वो, जिसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, तो उसके बारे में आपका कुछ एक अपना क्या ओवरव्यू है एंड हाउ यू प्रेजेंटेड इट इन योर बुक? देखिए इसमें थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन ये है कि अगर आप कोई भी आर्टिकल्स पढ़िए, लोगों के लेक्चर्स सुनिए, आम तौर पे जो होते हैं वो लोग कहते हैं कि सर सैयद साहब लंदन गए थे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को स्टडी करने, तो ये बात बुनियादी आधी सही है आधी गलत है। गलत कैसे है कि जो लंदन ये गए थे, बिल्कुल गए थे, उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को स्टडी भी किया, देखा भी, और इसमें एक मजमून भी आप उसको पढ़िएगा, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और अलीगढ़ में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, मतलब लोग देख के हैरत में आ जाते हैं कि बिल्डिंग्स कैसे बिल्कुल, जैसे आपका स्ट्रेची है, विक्टोरिया है, बाउंड्री है, तमाम ऐसी चीज़ें। तो खैर कमिंग टू द पॉइंट, ये जो गए थे वो बेसिकली इस वक्त इनके एक साथी भी थे, दोस्त भी थे, सर विलियम म्योर, उनकी किताब आई थी लाइफ ऑफ मोहम्मद 1860s में, वो इसको स्पेल करते हैं मोहम्मद MAHOMET, और वो किताब बड़ी बेतुकी किताब थी, मेरे पास वो किताब है, वो न पढ़ने लायक है न किसी को देने लायक है। और आप ये देखिए सर सैयद साहब उस वक्त 1860s में गाजीपुर में थे,
और वहाँ से इन्होंने जहन बनाया था कि हम इस किताब को लिखेंगे, इसका जवाब लिखेंगे। और क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। और वहाँ पे बाकायदा चिरैया कूट, करीब 40 किलोमीटर दूर एक कस्बा है, ये वहाँ जाते थे। वहाँ इनको इनायत रसूल एक ट्यूटर मिले जो कि हिब्रू जबान जानते थे, तो सर सैद साहब ने बाकायदा हिब्रू जबान सीखी है सिर्फ इस किताब का जवाब लिखने के लिए। बाद में सैयद महमूद को जो स्कॉलरशिप मिलती है, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो विलियम म्यूर ने स्कॉलरशिप में नॉमिनेट किया। ये बनारस में थे, बनारस से इनका सफ़र शुरू हुआ, ये इलाहाबाद गए, विलियम म्यूर से मिले, वहाँ गए, वहाँ इन्होंने तमाम लाइब्रेरीज, ब्रिटिश लाइब्रेरी और सबका मुताला किया। सैयद महमूद इनके राइट हैंड थे, वो इस किताब का इन्होंने बाकायदा जो है वो जवाब लिखा, और बाद में इन्होंने विलियम म्यूर को प्रेजेंट किया, उन्होंने अपनी गलती मानी। अब रेहान भाई यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं कि अगर ये मामला इतना ज़्यादा गड़बड़ाया होता, रिश्ते इतने ख़राब होते, उसके बाद भी विलियम म्यूर की एमएओ कॉलेज में विजिट्स हैं, पॉइंट नंबर वन। उसके बाद भी विलियम म्यूर की एमएओ कॉलेज में स्कॉलरशिप्स हैं। उसके बाद भी सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, सर सैद के आखिरी वक्त में उनको एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी ने एलएलडी की ऑनरेरी डिग्री दी है। तो मैंने जब इसकी तहकीक करी तो मुझे पता चला, सबसे जो चौंकाने वाला फैक्ट निकला कि उस वक्त जो था, जो उस यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, वो सर विलियम म्यूर थे। तो अब आप ये देखिए कि कितना इम्पॉर्टेंट मैसेज है। आज भी तमाम, अभी किसी ने कुरान पे एतराज़ किया, हमने क्या किया, हमारे इतने हिंदुस्तान में मुसलमान, और हिंदुस्तान से मेरा मतलब, ये आवाज़ मेरी बाहर जा रही है, तो मैं जो हिंदुस्तान से बाहर लोग हैं, मिडल ईस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में, क्या एक शख्स भी नहीं था वो उसका जवाब लिख सकता? नॉट अ सिंगल पर्सन। हमने क्या कर दिया, फतवे निकाल दो, इस्लाम से खारिज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तो असल में सर सैद साहब, जो मैंने अभी कहा कि उन्होंने उन चीज़ों को खुद करके दिखाया है, और जबकि उनकी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं थी। और मैं एक ख़त का मफहूम है वो ज़रूर यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। मुझे लगता है कि वो मफहूम जो है उस ख़त का जो है, मुझे क्योंकि मेरे सामने अभी नहीं है लेकिन मेरे जहन में है, लंदन से इन्होंने मोहसिनुल मुल्क साहब को एक ख़त लिखा, और उसमें लिखते हैं कि सर विलियम म्यूर ने जो किताब लिखी है, इसको पढ़ के मेरा दिल जल के कबाब हो गया है, और मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, लेकिन अब मैंने जहन बना लिया है कि मैं इस किताब का जवाब लिखूंगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं फ़कीर हो जाऊं बला से, लेकिन मैं ये काम करूंगा। शायद आखिरत में जब लोगों को उठाया जाएगा तो मुझे ये कह के उठाया जाएगा कि अहमद को बुलाओ जिसने अपने दादा मोहम्मद की पैरवी में ये किताब लिखी। ये आशिक रसूल है, ये एग्जाम्पल आपको रेहान भाई दूसरा नहीं मिलेगा कि एक आदमी ने अपना घर बार सामान सब गिरवी रख के गए, बेच दिया, ये कर दिया, ये आपको दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। खैर और भी खत है लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो ये सफ़र बहुत अहम है, जाहिर है उसके बाद में उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को भी स्टडी किया, और उसी के तर्ज पर जब आए तो इनका एक विजन था, उसी विजन के हिसाब से काम हुआ। सैयद महमूद ने इनको बहुत उसमें सपोर्ट किया, और बहुत अहम है, जाहिर है वो लंदन का सफ़र अगर ना होता तो शायद वो चीज़ें बड़ी दूसरे डायरेक्शन में होती। वहाँ से उनको वो चीज़ दिखी कि हम इसी तर्ज पे जो है वो अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है वो बना सकते हैं। जी भाई, बातचीत का सिलसिला इतनी तेज़ी से चला, वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। आई थिंक 45 मिनट्स हैज पास ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन। तो मैं थोड़ा कंक्लूड करना चाहूँगा जी सेशन में, कुछ दो तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें। अभी ये किताब आपकी हाल में, आपने एक जगह तकरीब में गए थे, इब्ने सिना एकेडमी अलीगढ़ में है, सैयद हकीम जिल्लुर रहमान साहब की फाउंडेशन है, वो बहुत काम कर रहे हैं आर्काइविंग में, और ख़ासतौर से इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक मेडिसिन एंड बहुत सारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे दे आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क। तो खान बहादुर, मौलवी जैनुल आबिदीन और अलीगढ़ मूवमेंट और इब्ने सिना एकेडमी पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, ज़िया भाई शायद हमारे साथ में यहाँ पे ही हैं, और जो जिल्लुर रहमान साहब का जो मिशन था, जो उन्होंने काम शुरू किया, और ज़िया भाई उसको जैसे आगे बढ़ा रहे हैं, वाकई अलीगढ़ के पूरे मैं कहूँगा जो इतिहास है उसमें अनपैरेलल है। मतलब तारीख में आपको ऐसा एग्जांपल नहीं मिलेगा। खुद उनकी जो लाइब्रेरी और जो म्यूज़ियम उन्होंने बनाया है, और मेरे बहुत बड़े जिसको कहना चाहिए मैं उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ, इस बात तो काफ़ी तफसीली मुलाकात भी हुई। तो कमिंग टू द पॉइंट, जैनुल आबदीन साहब देखिए सर सैद के रुफका की बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन सबसे जो करीबी रुफका थे उसमें जैनुल आबदीन का नाम आता है। सर सैद ने ख़त में खुद लिखा है कि मुझे सुबह उठ के खुदा याद नहीं आता, जैनुल आबदीन याद आता। तो अब कैंपस में हम देखते हैं तो वीसी लॉज के सामने एक रोड दिख जाती है और वहाँ पे उनकी मज़ार है। वो भी लोगों को नहीं पता है कि वहाँ पे मज़ार जो है उनकी है। तो बहरहाल वो, और फिर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जो मुरादाबाद में शौकत बाग है, तो वहाँ पारसा बेगम और इनकी अहलिया दोनों की मज़ार एक ही चबूतरे पे है। तो खैर वो सब
चीज़ें जो है बाद में फिर उन्होंने अपनी मछली शहर की रियासत बेच के हमें वो कॉलेज को पैसा दिया और वो तो इन पे इत्तेफाक से क्या हुआ रेहान भाई कभी काम नहीं हुआ। कुछ मजमून आए कुछ आर्टिकल्स आए लेकिन किताब की शक्ल में, और जाहिर है 30 साल का साथ अगर किसी का रहा तो आप सोचिए कितना कुछ रहा होगा। लेकिन वही जो मैंने शुरू में कहा कि हमने बहुत सारी चीज़ें हम धीरे 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 जो है वो खोते चलते चले जा रहे हैं, और पिछले साल कुछ वेबिनार्स हुए, दो वेबिनार्स हुए, कुछ वीडियो बने, कुछ आर्टिकल्स बने, तो वहाँ से कोशिश करी गई कि इनके बारे में जो चीज़ें हम निकाल सकें। तो वो चीज़ें आप समझिए एक सिलसिला आया, वो किताब अभी आई, फिर अभी हम वो उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में, एक तरफ उर्दू में एक तरफ अंग्रेज़ी में है, फिर अभी हम उसका तर्जुमा करके हिंदी में भी ला रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। और जाहिर है क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि ये काम चलता रहेगा, इसका कोई हम ये नहीं कह सकते वो किताब हर्फ आखिर है, बिल्कुल नहीं, और ये एंडलेस काम है, एवर गोइंग काम है। तो ये कभी काम हुआ है और तमाम अभी और चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो मैं इसमें एक मैसेज भी देना चाहता हूँ, मैं अक्सर हमेशा कहता हूँ, मैंने किताब में भी लिखा है जहाँ भी होता है, कि देखिए अकेले न रेहान भाई आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, वक्त की ज़रूरत ये है कि हम लोग जो भी हैं जो अलीगढ़ मूवमेंट से जुड़े जो लोग हैं उनके दिल में ज़रा सा भी दर्द है, 1% भी है, तो हमें ये लगता है कि उनको हाथ मिलाना चाहिए। अकेले आप बहुत दूर नहीं जा सकते हैं, हो सकता है आपकी खासियत किसी चीज़ में हो, मेरी कुछ और हो, मेरी ज़बान में हो, किसी भी हो, कुछ भी हो सकता है, अगर हम मिल जाएंगे तो 1 और 1 11 है। तो जो आपस के फ़र्क हैं, ईगोज़ हैं, इन सब चीज़ों को हमें ताक पे रख देना चाहिए, कंट्रोल ऑल डिलीट जो है कमांड होती है उससे इसको हटा देना चाहिए, और साथ में मिलके काम करना चाहिए, टीम वर्क। सर सैयद ने यही हम लोगों को सिखाया है और ख़ुद उन्होंने करके दिखाया, और देखिए कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि एक शख्स इंतकाल 1898 में हुआ, 22 साल उनके टीम मेंबर्स लगे रहे कि हमें यूनिवर्सिटी बनानी है। आज आप सोचिए कोई स्कूल कॉलेज बने तो मेरे ख्याल से 1-2 साल में वो कोलैप्स हो जाता है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी उसको आगे नहीं ले जा पाती, लेकिन उन्होंने इस तरह का मोटिवेशन और एनर्जी अपनी टीम के अंदर डाला कि 22 साल वो सिलसिला चलता रहा, आज इस साल को 100 साल से ज़्यादा है और हम और आप बैठ के इस पर बात कर रहे हैं, तमाम एसोसिएशंस हैं पूरी दुनिया में जो सर सैयद डे मना रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सर सैयद डे से और आगे जाने की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है, और तभी असली खराज अकीदत जो अलीगढ़ मूवमेंट का जो असली मकसद है वो तभी पूरा हो पाएगा। वैसे बहुत माजरत के साथ सर सैयद डे तो बिरयानी और कबाब पे खत्म हो गया। जी नहीं, मुझे रेहान भाई ये लगता है कि बिरयानी होनी चाहिए, मैं बिरयानी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी अमूबा लखनऊ में जिम्मेदारी मुझे कुछ है तो हम लोग भी बिरयानी का एहतमाम करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है जब हम खाली बिरयानी पे आके रुक जाते हैं वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए तमाम ऐसी जी ये our friend Abu Isa bhai has written a very wonderful feedback, so he requested next time to have another talk on Allama Iqbal. Yes, that is a topic, sorry for interrupting, it's a topic that needs another discussion. Or हाँ, 9 नवंबर आ रही है, उनकी पैदाइश का दिन आ रहा है, तो हम उसपे बिल्कुल वो कर सकते हैं, और अल्लामा इकबाल और अलीगढ़ के ही हवाले से इतनी चीजें हैं कि मतलब घंटा दो घंटा तो खाली हम इसी पे ही बात कर सकते हैं। तो मैं जो वो बात कर रहा था कि देखिए इस पे बहुत काम करने की जरूरत है, और मेरी जो एक छोटी सी अदना सी कोशिश हुई, मैं सब डेडिकेट अलीगढ़ को ही करता हूँ, आगे भी कुछ चीज़ें अभी चल रही हैं, कुछ मैं अकेले कर रहा हूँ, कुछ लोग साथ में कर रहे हैं, तो मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ ये आवाज़ मेरी जिन लोगों तक भी पहुँचे, अगर आपको 1% भी इंटरेस्ट है तो आपस की ईगो हटा के एक साथ जुड़ जाइए, ये वक्त लड़ने का नहीं है, ये वक्त जो है ये जुड़ने का है, और जब आप जुड़ेंगे तो 1 और 1 जो है वो 11 है। एग्जैक्टली Anyway, any other thing you want to give a takeaway message or a way forward for all of us other than ek fraternity ke bahar ke log bhi hain jo I think they are very much linked with the Aligarh movement. Aligarh movement is like a hot, it's not only a physical space that existed there within the premises of Aligarh Muslim University. So you want to dekhiye ek aham cheez ye hai ki jahan se hamari baat shuru hui aksar logon ko ye bhi confusion hota hai ki Aligarh movement is AMU. मेरा मानना यह है कि अलीगढ़ मूवमेंट इज़ हार्डली 10 or 15%, AMU इज़ जस्ट 10 or 15% ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट वो है जो सर सैयद ने कहा, जो लिखा और जिसको करके दिखाया, और उसके 3 जो बुनियादी पिलर्स हैं, एक आपका एजुकेशन के लिए है, सोशल रिफॉर्मेशन, और तीसरा रिलीजियस अवेकनिंग, और इसीलिए ये AMU नहीं कहते हम इसको, अलीगढ़ मूवमेंट इसीलिए कहते हैं कि वो जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई हुआ, बहुत तो हमारे एलुमनाइज ने इस पर काम किया, और जो एलुमनाई नहीं है अगर उनके पास वहाँ की डिग्री और इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो भी वो सर सैयद के साथ रहे, उनके फॉलोअर रहे। तो मुझे ये मैसेज देना है कि जो 1857 में ये जो तहरीक शुरू हुई वो आज भी रेहान भाई 2021 में 150 साल, बल्कि हम तो 7 साल तकरीबात मना रहे हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि बात ये 100 साल की है ही नहीं, तो 150 साल तो यूँ ही निकल गए, तो आज भी ये उतना ही रिलेवेंट है।
सर सैयद ने जिन जिन टॉपिक्स पे बातें करी हैं, चाहे वो कोई भी आप ले लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ पॉलिटिकल व्यू ले लीजिए, वो एक अलग सब्जेक्ट है, आज भी वो इतने रिलेवेंट हैं। तो हमें ज़रूरत ये है कि हम उन टॉपिक्स को देखें, उसको समझें, उस पर बात करें, उसको डिस्कस करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर हमारे पास अलीगढ़ की डिग्री है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इन चीज़ों में मॉडर्न, उसमें जो भी चीज़ें, मैं आपको एक आखिर में एक चीज़ बताना चाहूँगा, उससे बात अपनी ख़त्म करूँगा अगर आपका कोई सवाल हो। अल्लामा इकबाल ने, जो आपने बात की, अल्लामा इकबाल ने सर सैयद के लिए बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट कहा है, और बल्कि उन्होंने यहाँ तक ये कहा है कि सर सैयद वॉज, मतलब उसका मफहूम बता रहा हूँ, मुझे इन्वर्टेड कॉमास में वैसे नहीं याद है, कि सर सैयद वॉज द फर्स्ट मॉडर्न स्कॉलर हु वर्क फॉर द रिवाइवल एंड द रिफॉर्मेशन ऑफ इस्लाम। बीए में मेरे उस्ताद थे असगर अब्बास साहब, जिनका अलीगढ़ मूवमेंट पे बहुत काम है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। अभी मैं गया भी अलीगढ़, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने यही स्टेटमेंट उनके साथ जिक्र कर दिया कि सर इस पे कुछ बात करिए। तो उन्होंने बड़ी खास बात की, कहने लगे अल्लामा इकबाल ने तो मॉडर्न इंडिया की बात की, मैं तो ये कहता हूँ कि रसूल अल्लाह के बाद इतना तीनों एस्पेक्ट्स में, देखिए एजुकेशन, सोशल रिफॉर्मेशन और रिलीजियस अवेकनिंग। कहने लगे आतिफ मुझे दूसरा शख्स बता दो जिसने इतना काम किया। अब रेहान भाई मैंने सोचा, मुझे, मेरे पास वाकई दूसरा नाम नहीं था, तो बड़ी ज़रूरत है। उनका तमाम लिखी हुए आर्टिकल्स हैं, किताबें हैं, मैगजीन्स हैं, तमाम चीज़ें हैं जो आज भी हम कायदे से शाया नहीं कर पाए, रीप्रिंट नहीं कर पाए, या अगर प्रिंट हुआ तो वो हमारे तक पहुँच नहीं रही है। लाइब्रेरी के रेयर सेक्शन में वो चीज़ें रखी हुई हैं, मैं तो हर बार जाता हूँ, लाइब्रेरी भी देखता हूँ, पुरानी किताबें, तमाम इस ग्रुप में मैं देख रहा हूँ मैसेजेस आ रहे हैं, तमाम लोग जो हैं उनके तमाम काम हैं, तमाम उर्दू की किताबें। आज ज़रूरत ये कि आप उनको फिर से दोबारा से रिप्रिंट करिए, उनको ट्रांसलेट करिए, उनको रिप्रोड्यूस करिए, है ना, जो आपने कहा किंडल एडिशन लाइए, उनके वीडियोज़ बनाइए और वो लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाइए। तो मेरा बस यही मकसद था और इसी के उसमें जो है ये छोटी सी कोशिश हो गई, और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मैं लास्ट में फिर ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अच्छा, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि ये किताब मिलेगी कैसे, तो जो मैंने अपना बीच में, मेरे शुरू में ये आइडिया नहीं था, मैंने जो अपना लखनऊ बेस्ड सर्जन इनके जीएम, अच्छा, प्लास्टिक सर्जन एंड माय सीनियर, सो ही इज आल्सो रिक्वेस्टिंग फॉर अ बुक हाउ टू गेट, अच्छा, तो मैं बस जस्ट उस पे वो कर दूं कि अक्सर लोगों ने कहा कि ये जैसे Amazon वगैरह, तो मैंने अपनी किताब को जानबूझ के Amazon पे नहीं डाला है। मैंने जब ये सिलसिला चला तो मैंने अपना एक पब्लिकेशन हाउस एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ है, अगर आप उसको सिर्फ गूगल सर्च करिएगा, एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसकी वेबसाइट है, उस पर पेमेंट गेटवे सब कुछ है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आप किताब को ऑर्डर करके आप कहीं से भी उसको पूरे दुनिया में मंगा सकते हैं, मतलब हिंदुस्तान में तो मिल ही सकती है, हिंदुस्तान से बाहर भी, भले ही वो दो वॉल्यूम में कॉफी टेबल है, लेकिन वो कोरियर के थ्रू कहीं भी जो है वो जा सकती है। तो इसके साथ जो मेरी दूसरी ये कोशिश थी, वो कोशिश ये थी कि वो चीज़ें जो हमारा कंटेंट है, हमारे के मतलब इंडो इस्लामिक कल्चर की जो चीज़ें, वो लोगों तक जाएं। तो अक्सर लोगों ने कहा Amazon पे क्यों नहीं है, तो मैं उनको वही कहता हूँ, मैं जानबूझ के नहीं है कि आप उस पे आइए, और मैं लोगों को इनवाइट भी मैं करता हूँ कि अगर आपकी इस तरह की किताबें हैं, कंटेंट है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे पेमेंट गेटवे, पूरा सिस्टम है, कोरियर है, आप चीज़ों को वहाँ रखिए, लोगों तक पहुँचाइए। तो मैं अपना ये प्लेटफॉर्म भी लोगों तक, इट कैन बी डिलीवर्ड ऑन योर डोरस्टेप्स, जस्ट बिल्कुल बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्हाट्सएप नंबर, और जी जी उसकी वेबसाइट भी यही है, extraordinary.life, extraordinary में ई हटा के extraordinary.life वेबसाइट है, तो वहाँ आप जाएंगे तो आप सारी चीजें वहाँ पे मिल जाएंगी। इट कैन ऑल्सो बी शिप्ड आउटसाइड इंडिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी मुल्क में कोरियर अल्लाह के शुक्र से जा रहा है, तो बस इंटरनेशनल में ये है कि थोड़े कोरियर के चार्जेस जो हैं वो थोड़े से पड़ जाते हैं, और अदरवाइज इंडिया में कोरियर वगैरह का कोई मसला ही नहीं है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं भी। तो बस यही एक छोटा सा रेहान भाई मकसद था कि ये चीज़ें जो है चलती रहनी चाहिए। और जो आपने कहा ना बिरयानी, बिरयानी मुझे लगता है बात वो कट गई थी कि बिरयानी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है कि जब कोई बच्चा पैदाइश से पहले और मरने के बाद तक हम जब कुछ भी मिलते हैं तो खाना पीना होता है, तो मुझे बिरयानी से इतराज़ नहीं है, नहीं नहीं मुझे बस ये है, मैं इसलिए मुझे इसमें कहने में कोई हर्ज भी नहीं है, हम अक्सर बिरयानी पे जाके रुक जाते हैं, तो जो अकबर इलाहाबादी ने भी कहा, मैं वो शेर यहाँ पे कहना नहीं चाहूँगा, तो हम वो जो रुक जाते हैं ना वो दिक्कत है, हमें रुकना नहीं है, तो इसलिए वो सिलसिला हमेशा जो है वो चलते रहना चाहिए। और जाहिर है अलीगढ़ मूवमेंट, मतलब सबसे जो एक आखिर चीज़ एक मुझे और याद आई कि अलीगढ़ मूवमेंट, देखिए रेहान भाई ऐसा मूवमेंट है जो 150 साल से चल रहा है, आपको दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा इस तरह का कोई मूवमेंट, और जिसने इंटरनेशनली इतने लोगों को, कंट्रीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो जिसपे हमें असल में फ़ख्र होना चाहिए। एग्जैक्टली जी,
थैंक यू आतिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड इट वॉज रियली एन अमेजिंग टॉक एंड सो नाइस टू डिस्कस ऑन दिस बुक. ऑल्दो आई वॉज रिमेन कनेक्टेड विद यू वाइल योर जर्नी ऑफ राइटिंग बुक वॉज गोइंग ऑन, बट टूडे डिस्कसिंग विद यू इट ओपन्स मेनी मोर फेसेट्स. इवन दो आई हैव रीड योर बुक. थैंक यू. सो आई एम एंडिंग माई ब्रॉडकास्ट. देर इज लॉट ऑफ कमेंट्स एज अ पॉजिटिव फीडबैक, बट देर वॉज नॉट अ क्वेश्चन, सो आई एम नॉट रेजिंग द क्वेश्चन एट द एंड. आई एम एंडिंग दिस टॉक हियर. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया.